सुबह सुबह ये क्या कर दिया तूने? कौओं को खाना खिलाने के नाम पर पूरा आंगन गंदा कर दिया तूने। इन्हें खिलाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं कहते नानी, ये कौवे नहीं है, पितृदेव हैं। पितृदेव मतलब हमारे बुजुर्ग, मेरे दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं। अरे ये छोड़ो, आपके मरे हुए पति हो सकते हैं। हाँ? ये सब मुझे आपको बताना पड़ रहा है। आज के बाद रोज इन कौओं को आप भी खाना खिलाना, ठीक है ना? खाना खिला दूंगी, तुम्हारे जैसे काव काव आओ आओ नहीं करूंगी। कैसी लड़की है, कौओं से बात करती है। ये लो भाई। ये लो मैडम। कौन हो तुम? मैं हूँ जगन, पुलिवेंथल से आ रहा हूँ। ये कंडीशनल बेल है क्या? हाँ मैडम। रवि फोटो लाए हो क्या? हाँ, लाया हूँ ना। जाओ जाओ अंदर जाके बैठ जाओ। हाँ। साहब आएंगे तो मिला दूंगा। ठीक है सर। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। हाँ? हाँ। हाँ? कैच। हे हे। मेरा टिफिन कौवे को क्यों खिला रहे हो? पितृदेव है। कौन से देव? पितृदेव। ये कोई कौवे नहीं है। हाँ। हमारे पूर्वज हैं। हाँ। हाँ। मरने वाले ना आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती है, मामा जी हो सकते हैं, या फिर आपके एरिया के स्वामी जी भी हो सकते हैं। 201 डबल बैरन गन निकालो तो। ये लो मैडम। नहीं ये तो आपका ही टिफिन है। चल अंदर। चल अंदर। चल। 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 दस्तखत कर दिया? अब हाँ कर दिए। जाकर जीप में बैठ जा। भैया। अरे कल्याण क्या है? भैया क्या भैया? अक्यूज है ये। चल स्कूल जा। तेरा चाचा इंस्पेक्टर है ये सोचकर अगर तूने फालतू काम यहाँ किया तो काट डालूंगा। कब आए? आओ जगन। हाँ बस अभी अभी आए हैं। अच्छा है भैया। पहली बस से उसको भेजकर पीछे की बस से आप लोग आ गए। आपके लाड प्यार की वजह से ये बिगड़ गया है। मैंने क्या किया? आपने नहीं तो फिर किसने? देखिए भैया, एक इंस्पेक्टर के घर में कंडीशनल बेल पे आए हुए को मैं कैसे रख लूं? मैंने कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके स्पेशल परमिशन ली है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये घर में नहीं जिंदगी भर जेल में रहेगा। और फिर 1 महीना कोई भी इस तरफ नहीं आएगा। इसे मारकर सही रास्ते पर लाकर ही वापस भेजूंगा। सभी को खाना खाकर जाने के लिए कहो। जेठ जी, उन्होंने ऐसे गुस्से में कह दिया है। उसका क्या है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। हाँ पापा, तेरे छोटे चाचा से मैं खुद डरता हूँ। उसके बारे में जानते हो ना? जब तक यहाँ हो उसकी बात सुनकर उसके हिसाब से रहो। ठीक है पापा। मुझे मैं चलता हूँ। ठीक है जेठ जी। भाभी चलता हूँ। ठीक है जया। हाँ आ रही हूँ। जगन घर जाके माँ से कुछ कहना है क्या? और अगर फ्रेंड से कुछ कहना है तो बता दे। छोटे चाचा गांव में सभी से कहना कि कौओं को खाना खिलाए। कौआ? डॉली हमारे घर पे भी नहीं आई, वो कहाँ गई होगी? डॉली स्कूल में नहीं है, फ्रेंड के घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे सब पता है, जिन्होंने मेरे पति को मारा वही लोग ले गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम बिल्कुल भी मत डरना, वो वापस आ जाएगी। मैं जानती हूँ, शहर छोड़ दे इसीलिए धमका रहे हैं। डॉली का पता नहीं, फिक्र मत करो, मुझे सब ढूंढ रहे हैं।